लखीमपुर हिंसा में दिवंगत भाजपा वर्करों के पीड़ित परिवारों से मुलाकात करने के बाद गुरुवार को सीतापुर पहुंचे श्रम कल्याण परिषद उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष राज्यमंत्री सुनील भराला पत्रकारों से मुखातिब हुए। उन्होंने बाढ़, महंगाई, कानून व्यवस्था, एमएसपी मसले पर पूछे गए सवालों का जवाब दिया। योगी सरकार की उपलब्धियों का बखान करते हुए राज्यमंत्री ने कहा कि श्रमिकों को विभागीय योजनाओं से लाभान्वित किया जाएगा। सपा सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी गठबंधन पर तंज कसते हुए उसे डूबता जहाज बताया। राजभर पीछे लटके हैं, वो भी डूब जाएंगे। 2022 विधानसभा चुनाव मसले पर उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में भाजपा विकास के मसले पर चुनाव लड़ेगी और इस चुनाव में भाजपा 350 के पार जीत कर यूपी में सरकार भी बनाएगी। आप भी सुनिए श्रम कल्याण परिषद के अध्यक्ष राज्य मंत्री सुनील भराला क्या बोले। सीतापुर आने के इस भ्रमण कार्यक्रम में श्रमिकों को लाभ देना और श्रम कल्याण परिषद की योजनाओं की जिले की समीक्षा बैठक करने का जो मेरा आज ये कार्यक्रम था, अभी मैं जिला समीक्षा बैठक करूंगा, उसमें जिले पर कितने श्रमिकों को लाभ मिला और कितने को दिया जाना चाहिए और कैसे शीघ्रता आएगी, किन किन विभाग के अधिकारियों के माध्यम से हम इसको आगे बढ़ाएंगे, इसको लेकर के आज ये मेरा भ्रमण कार्यक्रम है। उससे हम इनसे मांगेंगे, आज लेटर मांगेंगे, अगर ऐसा है तो ये हमें पत्र भेजा, उसके लिए हम विचार करके इसे। उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने विशेष बाढ़ को लेकर के उत्तर प्रदेश के जल शक्ति मंत्री हमारे श्री महेंद्र जी उस पर पूरी तैयारी के साथ लगे हुए हैं। वो जल्दी पटल पर आएगा, आपको वो देखने में बहुत जल्दी उसको दिखाई देगा। डूबता जहाज है, पीछे लटके हुए हैं, वो भी डूब जाएंगे साथ में। 350 पार भारतीय जनता पार्टी जीत करके आएगी। विकास के मुद्दों पर, श्रमिकों के कल्याण के मुद्दे पर, रेड़ी ठेली पटरी वालों को उत्थान के मुद्दे पर, छोटे व्यापारियों के कल्याण के मुद्दे पर और उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर के जिस प्रकार की कानून व्यवस्था को ठीक किया गया है आज उत्तर प्रदेश में, ऐसे सारे मुद्दे सबका साथ सबका विकास को लेकर के भारतीय जनता पार्टी 2022 के चुनाव में उतरेगी और 350 सीटें पार करके लेके आएगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को फिर बनाएंगे।